नमस्कार, मैं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। सीधा रुख करते हैं प्रदेश की अहम खबर है अयोध्या से। 2022 के एक पुराने मामले में कांग्रेस जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समक्ष न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया। कचहरी परिसर में प्रदेश महासचिव मनोज गौतम के साथ महानगर अध्यक्ष वेद सिंह कमल, पीसीसी सदस्य राजेंद्र प्रताप सिंह, उग्रसेन मिश्रा, रामेंद्र त्रिपाठी, अमरीश पांडे, तारिक रुद्वाली, प्रवीण श्रीवास्तव, मोहम्मद आरिफ मोहम्मद आमिर, अनिल सिंह, अनिल तिवारी, अब्दुल हकीम, फ्लार नकवी, जनार्दन मिश्रा, आशुतोष सिंह, राम सागर रावत, राजेंद्र रावत सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रदेश महासचिव मनोज गौतम ने जिला प्रशासन के प्रति गहरी नाराजगी दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण में एक राजनीतिक व्यक्ति के खिलाफ अपराधियों जैसा आचरण किया गया। प्रदेश महासचिव मनोज गौतम ने कहा 2022 का पुराना मामला था जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु पुलिस अभीक्षा में हो गई थी। जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव वहां बीच बचाव करने के लिए मृतक के आवास पर पहुंचे थे, तभी वहां उपस्थित पुलिस बल ने अपमानजनक रवैये के विरोध में ग्रामीणों ने प्रशासन का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। जिला प्रशासन ने उस प्रदर्शन का विरोध कर रहे ग्रामीणों के साथ साथ जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी वादी बना दिया और गंभीर धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। प्रदेश महासचिव मनोज गौतम ने कहा कि सार्वजनिक रूप से यह बात सही थी कि अखिलेश यादव वहां सिर्फ बचाव करने पहुंचे थे, इसके बावजूद उनका नाम विवेचना में नहीं निकाला गया और विद्वेषपूर्ण ढंग से जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव तथा उनके परिवार को लगातार प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया। श्री मनोज गौतम ने कहा कि लोकतंत्र में इस तरह के विरोध प्रदर्शन करने पर जो धाराएं प्रशासन ने लगाई वह उचित नहीं है। प्रशासन का यह रवैया अंग्रेजी हुकूमत को याद दिलाता है जिसमें क्रांतिकारियों के खिलाफ इस तरह के दंडात्मक प्रावधान किए जाते हैं। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र और संविधान की हिमायती है तथा हम जनता के मुद्दों को लेकर लगातार सड़कों पर उतरेंगे और प्रशासन से हम मांग करेंगे कि जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम उक्त मुकदमों से निकलवा दिया जाए। इंडिया 24x7 लाइव टीवी पर प्रशांत तिवारी की रिपोर्ट। नहीं आ रही आईडी हमारे यहाँ से। आज जिला अध्यक्ष आके सरेंडर करने आए हैं, क्या कहेंगे? ये जुल्मी सरकार अगर गरीब मजलूमों के न्याय के लिए अगर मेरा जिला अध्यक्ष लड़ाई लड़े, उसमें फर्जी मुकदमा लगाकर जिला अध्यक्ष को भेजा जेल में डाला गया है, तो इस निश्चित रूप से हमें महसूस हो रहा है कि यह जो अयोध्या की हार का ठीकरा हमारे जिला अध्यक्ष पर फोड़ा जा रहा है, ये तो इतिहास रहा है, हमारे कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है जेल जाना। ये तो जब तक हमारा नारा रहेगा, जब तक जेल में चना रहेगा, जब तक आना जाना रहेगा, तो हम न्याय के लिए हमारे अध्यक्ष हमेशा लड़ते रहे और लड़ेंगे भी।